This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. आज के टाइम में बैंक में लगभग सबके अकाउंट होते हैं, पैसे भी सबके अकाउंट में कम या ज्यादा हो ही सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने बैंक में पड़े उन पैसों का इस्तेमाल इतना ही करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो निकाल लें बस। लेकिन आप उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करके कमाई भी कर सकते हैं, कैसे चलिए जानते हैं। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 1,00,000 रुपए का निवेश करने पर आपको 40,000 रुपए केवल इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम इतनी शानदार है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें लाखों रुपए निवेश कर रखे हैं और लगातार अपना निवेश बढ़ाते भी रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। ये स्कीम 5 सालों का इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब अगर आप भी एक अकाउंट खोलने की चाहत रखते हैं इस स्कीम के लिए तो पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट को सिंगल और ज्वाइंट में अधिकतम 3 लोगों के साथ मिलकर खोला जा सकता है। माइनर के नाम पर गार्जियन ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा हो तो उसके खुद के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें कितना निवेश करना होगा और फायदा क्या होगा। वर्तमान में इस स्कीम के लिए इंटरेस्ट रेट 6.8% है जो सालाना कंपाउंडेड भी है। इस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक 1,00,000 निवेश करने पर 5 साल बाद 1,38,949 रुपए मिलते हैं। वहीं 2,00,000 निवेश करने पर 2,77,899 रुपए मिलते हैं और इसी तरह 5,00,000 रुपए निवेश करने पर 6,94,746 रुपए आपको मिल जाएंगे। इस स्कीम की सुविधा हर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा मिलती है और इसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इस अकाउंट को ट्रांसफर करने को लेकर कुछ विशेष नियम और शर्तें हैं। निवेश की बात करें, कम से कम आपको 1,000 रुपए का निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। हालांकि 1,000 से ज्यादा 100 के गुणांक में ही निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम की एक और खास बात है कि कोई इंडिविजुअल अपने नाम पर कितने भी अकाउंट खोल सकता है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों का होता है। जिस दिन इस अकाउंट में पैसे जमा होते हैं उसी तारीख से 5 साल का कैलकुलेशन होता है। इस अकाउंट के आधार पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा इसे प्लेस यानी गारंटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत होने पर इसे ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिलती है। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि इस अकाउंट की मैच्योरिटी 5 सालों की होती है। साधारण परिस्थिति में प्रीमेच्योर क्लोजर संभव नहीं है, लेकिन अगर दुर्घटनावश अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है या फिर अकाउंट गिरवी होने की शर्त में अकाउंट होल्डर के डिफॉल्टर हो जाने पर इसका प्री क्लोजर संभव है यानी खोला जा सकता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है। इस सेक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपए है। इससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है। ऐसे में अकाउंट होल्डर को हर साल अपनी इंटरेस्ट इनकम का जिक्र रिटर्न में करना जरूरी है। मैच्योरिटी वाला साल में भी पिछले साल यानी 4th साल की इंटरेस्ट इनकम पर भी टैक्स देना होता है। इस स्कीम के तहत हर साल होने वाली इंटरेस्ट इनकम री इन्वेस्ट हो जाती है। ऐसे में पिछले साल का इंटरेस्ट इनकम रिटर्न में शामिल करना होता है। इंटरेस्ट इनकम का एक मुश्त लाभ 5 सालों की मैच्योरिटी पर मिलता है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में TDS नहीं कटता है। उम्मीद है ये स्कीम आपको पसंद आएगी।